बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तसवसियाल एक नए व्लॉग के साथ आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। और ये हमारी बेगम है मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक। जोश के साथ बोलते हैं, जोश के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जोश हैं? और जोर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वो बेचारा शेरी सलाम दो। चाम। चाम। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पिछले व्लॉग की तरह बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अभी 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 माशाल्लाह बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो नहीं नहीं बहुत पसंद करते हैं। अभी हम मैंने थोड़ा सा निकलना है सिटी के लिए, तो सिटी से आके ना फिर इंशाल्लाह सारा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स गो। ये किसके लिए है? ये जलेबी है। और ये इधर जी ठुक ठुक किस चीज की हो रही है? दोबारा बन रही है। अच्छा, ये शॉर्मा बर्गर। बर्गर मेरा, गोल वाला मेरा, वो मेरा, गोल वाला मेरा। बड़ा तेज है। और ये गोभी है, सुरेश ने खानी है गोभी। और ये लहसुन भी है इसके अंदर, टमाटर भी है। बंदे सारे आए हैं ना वापस जो गए थे। सारे आए हैं। भी ले, मैंने कहा मेरा बंदा ना कुटी जा रहा है मिस्त्री, ते हम थोड़ी कुटी जा रहा है। दीवार नहीं बना रहे, फाटी कुटी जा रही है। हाँ अच्छा चलें ठीक है। गोभी आप दोनों ने खानी है, दुरेज और आपने। और शेरी अपनी पहले से जलेबी उठा के देखें जी इधर। ये पार्टी अपनी जलेबी और ये पार्टी अपना बर्गर। ये लो प्लेट शेरी, गरम नहीं करना, बहुत गरम है। ये जलेबी पार्टी, ये जलेबी बेगम जा रही है गिराना में बस कर। और यहाँ पे छोटे छोटे एप्पल्स, बनाना, और ये क्या है गावा फ्रूट चाट के लिए। शेरी पहन लेगा? पहन लेगा? नहीं पहनती, नहीं पहनती, नहीं पहनती। हाँ जी लगा सारे ये गोडो गीतों पे लगा ले, नहीं लगाने आते। चल जी मैं इसको लगाता हूँ। ये जी पहले गोडो की लगे, गोडो वाली ले आ, ये वाली वैसे रहने देना, ऊपर से लग जाएगी ना। अभी ये मुझसे नाराज हो गए थे। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा बच्चा, ये मुझसे अभी नाराज हो गए थे, है ना सुरेश? क्या किया था नाराज होके पापा ने? कैमरा रख दिया था गुस्से में। हाँ जी भाई, रुस्से हुए लोगों अपना ही नुकसान होता है, ऐसे ही कहते हो ना रूठने से? अपना नहीं होता। अच्छा जी एक बड़ा तमाशा है, ये रूठे तो हमारा नुकसान होता है, हम रूठे तो हमारा ही होता है ना। तो ऐसे ही है ना। वड़े आए तुसी। असल में हम अपने लिए जीना शुरू कर देना, आप लोगों को चींटियों ने भी नहीं आके खाना। अच्छी बात है ना, वो सारी आप लोगों को खा जाएंगी। हाँ। उन्होंने कहना छोड़ो जी हड्डियां की है। ये ऐसे रूठते हैं ना जैसे एक साल का बच्चा रूठता है। आजकल तो बच्चे भी सियाने, उनको भी पता है कि रूठने से नुकसान होता है। अपने देखो पफ मार के बैठे बालों के। बाल कटवाने भी हैं यार ना। नो क्यों कटवाने, ना बच्चों के कटवाओ ना अपने कटवाओ, क्या जरूरत है? निकी निकी बांगी ना है, इधर तो फिट नहीं आंदा। निकी बाल, निकी बाल। शेरी चल। हाँ जी ये देखो जी कैसा अच्छा बच्चा है। ये हो क्या रहा है? चलानी उसने एक दो मिनट है और 10 घंटे लग गए उसको ये सारा कुछ पहनाते। अब इसने एक मिनट चलाई ना, अपना हेलमेट पहना देना मोटरसाइकिल वाला। नहीं हेलमेट की कोई नहीं जरूरत है, नहीं गिरता हाथों के बाजुओं के बाल। आज मुझे मोटरसाइकिल पे तो सैर करवा दो। बड़े दिन हो गए मोटरसाइकिल पे नहीं सफर किया। चला लो, कर लो। मुझे आती होती ना मैं कब की भगा रही होती आपको, क्या कुछ भी नहीं आता। चलो ले ले जल्दी कर।
अब तू ना बगैर शूज के पहन के ऐसे ही भागता फिर से हमें। एक एक चीज लेके आया बंदा, आप पहनाओ भी से। हाँ ये मैंने आपको रोका था ना, तो पैसे जाया कर रहे हो। पैसे भी जाया कर दिया अब ये कब से ना जी ऐसी पड़ी है, नहीं पहनता ना, ही खेल का भी शौक खत्म हो गया, सारे खत्म हो गए, ऐसे हर चीज उल्ली लग रही है। अब बस मेरा बेटा अब क्या करे बंदा, मिल जो गई है, मिल जो गई बात असम ये है। इनको गाड़ी का रोका, गाड़ी ना ले दो, इन्होंने वही काम किया। कौन सी? मुझे पता है ना इसका, लड़के का, इसको सिर्फ लाने से पहले तक होता है। हम पता क्या ना, असल में हम ये कहते हैं कि अब बच्चा कह रहा चलो रब ने दिया तो जरा बंदा कर लेता है, आप बंदा कंजूसी है, लेकिन ये ना एक से दो दिन के बाद बस जितने पैसों की चीज ले गया। और ये देखो जी, देखो इधर देखो शेरी भाई, क्या करने लगा है? स्केट स्केट करने लगा है। हाँ? इसे बड़ा पता है, मैं बारफूट लागी है, पीछे चल, पीछे चल शेरी, पीछे चलेगा, मैं आगे पी भागे। अच्छा जुरेज पी पे भागेगा और शेरी ऐसे ही भागेगा। अब मैं पी भागी। ओए शेरी ने कैंडीज खा खा के कपड़े सारे खराब कर लिए हैं। हो गए रेडी? हाँ ये अब हो गया रेडी जी, ये देखो अब इसने सीख लिया चलाना। चल बाहर जा खेलो बाहर है। शेरी शूज पहनो। हम जी अपने लॉन में है, ये शेरी खड़ा है, ये फिर शूज पहनने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको आसमान दिखाए जी, हमारे आसे पास से सारी तरफ बारिश हुई है, एक हमारी तरफ नहीं हुई। तो जी ये देखें बादल, काले काले बादल, बड़े प्यारे बादल हैं। शेरी बादल दिखाओ, बादल कहाँ हैं? बादल बादल बादल, बारिश वाले, हवा चल रही है और बहुत मजा आ रहा है वैसे बाहर बैठे हुए। ले आज तो आप बेचारे कमजोर से लग रहे, कमजोर जैसे हो जाते हैं, जैसे कोई आपका खून चूस गया हो। बताने की कोई है जरूरत? बताओ तो सही, किसको खून पिला के आए हो अपना? वैसे आप देने वाले किसी को लस्सी भी नहीं हो है? ये ना लस्सी पे हंसे हैं, बड़ी पुरानी बात है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। हाँ जी, तो अगर जिस जिसने पूछा ना कमेंट्स में, फिर मैं अगले अगले व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है ना? लस्सी की क्या बात? हाँ लस्सी की क्या बात है, तो वो बड़ी मजे की वैसे बात है, इनकी मुस्कुराहट से आपको पता लग रहा होगा, क्या मुस्कुराहट है। वैसे ये मुझे ना बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी और मेरी जोड़ी वैसे कमाल की। अच्छा सुनो तो सही, सुनो तो सही, मौसम आज प्यारा है तो आप भी मुझे आज बड़े प्यारे लग रहे हो वैसे इस मौसम के साथ साथ। ये ना हंसना शुरू कर देते हैं। हाय अल्लाह, मेरे मुंह में, मेरी आज तबीयत बड़ी खराब है जब से मैंने शॉर्मा खाया है। बादल बादल, हाँ बादल कितने नीचे आ रहे हैं।